वेलकम टू शुभम भागवत यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शुभम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आंध्र प्रदेश पॉलिटेक्निक रिजल्ट के बारे में। आपका रिजल्ट आज डिक्लेयर होगा, अपना रिजल्ट कैसे चेकआउट कर सकते हैं मैं प्रोसेस बताऊँगा। दो प्रोसेस रहेगा, एक रहेगा लिंक डिस्क्रिप्शन पे, दूसरा जो रहेगा आपका आप खुद से कैसे चेकआउट कर सकते हैं। आप अगर रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद अगर इस वीडियो देख रहे हैं तो भी सही है, अगर आप पहले देख रहे हैं तो अब स्टेप को फॉलो कीजिएगा तो अपना रिजल्ट जो है चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू जो है आपका कॉलेज मिलेगा आपको। टोटल आपका 41 सिटीज़ में आपका एग्ज़ाम्स हुआ था, आंध्र प्रदेश में जितने सारे सिटीज़ हैं, ठीक है, तो काफ़ी आपका एग्ज़ाम्स हुआ था। और इसके अलावा अपना जो क्वेश्चंस हैं, आप कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे काउंसलिंग में पूछ सकते हैं। और कब तक रिजल्ट जो है डिक्लेयर होगा बताया नहीं गया है। आपका एग्ज़ाम जो हुआ था 27 सितंबर को हुआ था। और अपना रिजल्ट जो है कैसे चेकआउट कर सकते हैं, एक तो लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन पे, उस लिंक पे क्लिक करते ही अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते थे। और दूसरा जो ऑप्शन है poly.cetap.nic.in, उसके बाद उस वेबसाइट में आप ब्राउज़ कीजिएगा, या पॉलिटेक्निक एपी पॉलिटेक्निक रिजल्ट आप सिंपली गूगल में ब्राउज़ कीजिए तो भी मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपको एपी पॉलिटेक्निक रिजल्ट में क्लिक करना है, उसे न्यू पेज आएगा, न्यू पेज आने के बाद वहाँ पर अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ लॉगिन करना पड़ेगा, कुछ कैप्चर होगा। उसके बाद एपी पॉलिटेक्निक का रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन सामने, उसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। तो यही था इसका सिंपल सा अपडेट। अगर मैं लिंक डालूंगा तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, सिर्फ आपका जो रिक्वायरमेंट्स होगा एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो भी आपको पूछा जाएगा उसको डालिएगा तो अपना जो है रिजल्ट आप देख पाइएगा, ठीक है। तो यही था इसका सिंपल सा अपडेट। अगर इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपके पास तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।